लखनऊ दौन में नगर पंचायत ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का कार्य शुरू कर दिया है, जिसमें विशालकाय वृक्षों को काटा जाना तय किया गया है, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। रघुनाथ कॉलोनी में किराना दुकान का व्यवसाय करने वाले गोविंद दीक्षित ने पर्यावरण को बचाने की गुहार लगाई, लेकिन नगर पंचायत के कर्मचारी जब नहीं माने तो गोविंद ने मजबूरन अर्धनग्न होकर पेड़ से चिपक कर पर्यावरण की रक्षा करने की ठान ली। युवक कई घंटों तक पेड़ से चिपका खड़ा रहा, जिसे मनाने के लिए नगर पंचायत की टीम आई। इस पर युवक ने कहा कि पेड़ों की रक्षा की जानी चाहिए, वे हमारे मानव जीवन का मूल आधार है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो, इससे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु निर्माण की आड़ में प्रकृति से खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। नगर पंचायत के कर्मचारी इसको काट रहे हैं, मैंने रोकने की कोशिश किया, दूसरा पेड़ काट दे, दूसरे को पकड़ता हूँ, तीसरा काटते, तीसरे को पकड़ता हूँ, चौथा काटते। तो ये काट क्यों रहे हैं? विकास चल रहा है। मतलब पेड़ों को काट के विकास किया जा रहा है? आप क्या चाहते हैं? विकास करें पर वृक्षों को ना काटें। मतलब आप वृक्षों को बचाना चाहते हैं जी? तो आप कब तक ऐसे खड़े रहेंगे? आने वाले सर आश्वासन देने के लिए, पर लिखित में ले लूंगा तो शायद सही हो जाए, झाड़ बच जाए। 10 किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्युनिशन, 15 केजी का रक्षक, एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है, और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर मास्क पहन के। इस जंग में जुड़ने के लिए imacoronasoldier.com पे रजिस्टर करो, मास्क पहनो, कोरोना सोल्जर बनो। मास्क का वार, कोरोना की हार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।